तो करण जोहर की एक और बिग बजट, बिग कास्ट, बिग सेट्स और लोकेशंस के साथ मिलाते हुए एक और नई मूवी आई है, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। देखिए, करण जोहर को 25 साल पूरे हो जाएंगे इंडस्ट्री में रहते हुए, तो उन्होंने जितनी 25 साल के अंदर अपना जो काम किया है उसको एक मिक्सी ग्राइंडर में डाला और हमको देखने को मिल रही है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, जिसमें हमें सारे आपको एक टेस्ट मिल जाएगा दिलवाले से लेके स्टूडेंट ऑफ द ईयर को लेकर आपको सारे टेक्सचर इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपको बड़ा सेट देखना है, आपको कहीं लोग देखने जो आपके बैकग्राउंड में नाच रहे हो, 1000-2000 लोग, वो भी आपको मिल जाएगा। आपको कलरफुल मिल जाएगा, आपको पैसा लगाना है, वो सब इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। देखिए, बाकी सब बाद में करेंगे, मगर इस छोरे की बात करनी तो बनती है, जो कि हमें हर महीने की सीरीज हॉस्टल डेज के अंदर देखने को मिला था और बंदे ने क्या ही काम किया था। मैं तो इसका फैन हूँ और ऐसे फैन बने रहने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। कहानी बस इतनी सिंपल सी है कि दो लड़का लड़की हैं, बस ये दोनों अपोजिट हैं, इनके घर वाले, और इन दोनों की शादी नहीं करना चाहते। अब देखो, इन दोनों को शादी करने के लिए अपने एक दूसरे घर के अंदर रहना पड़ेगा, और ये कहानी हमको कहीं सुनी सुनी सी लगती है, वो कि इस बात पर हम बाद में ध्यान देते जब मूवी रिलीज होती है, बस इतनी सी बात है। और बाद में सबको पता ही है हैप्पी एंडिंग होनी है, ये सबके लिए नहीं है। अगर आप अकेले मूवी देखना चाहते हो तो ये टाइम पास करने के लिए भी नहीं है मूवी, फैमिली साथ एंजॉय कर सकते हो आप, 10-15 ग्रुप हैं, कुछ ऐसे फन मूवी या कुछ ऐसे एक्टिविटी मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी ट्राई कर सकते हो। वैसे ये मूवी अपने आप ऑडियंस बांट के चलती है, चाहे आप इसे कितना ही प्रमोट कर लो कि फैमिली मूवी, मगर देखेंगे तो सिर्फ गिनी चुनी ऑडियंस ही। इसमें हमें रणबीर कपूर का लुक कुछ ऐसे देखने को मिलता है जैसे कोई अमीर छपरी लौंडा हो, वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। बाकी देखिए, करण जोहर की बात रही ना, उनको पता ही, वो अपने मूवीज के अंदर पैसे लगाते हैं और वो पैसे दिखते हैं। जहाँ पे लोग 500 करोड़ लगा के मूवी के अंदर कुछ दिखा नहीं पाते, वहीं ये 60 से 70 करोड़ लगा के मूवी के अंदर हमें कुछ बढ़िया दिखा देते हैं। इस बात पे तो करण जोहर को एक पॉइंट मिलता है। देखिए, मूवी को जब से ट्रेलर आया ना, इसका ओपिनियन सबका चेंज हो रहा है धीरे धीरे। वहीं अभी मूवी को रिलीज होने में काफी टाइम है, जो कि ये सॉन्ग्स रिलीज करेंगे, अगर सॉन्ग्स बढ़िया निकलते हैं ना तो मूवी की ऑडियंस अपने आप बढ़ जाएगी और थिएटर्स के अंदर अपन को इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। वहीं हमको इसके अंदर एक फैमिली विलन देखने को मिलती है, आप सबको पता ही है। देखिए, करण जोहर की मूवी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है कि आप ग्राउंड लेवल पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका बचपन से परवरिश कुछ इस प्रकार से हुई है कि सिर्फ अमीर यानी अमीर लोगों का इसमें लव स्टोरी, लव एंगल सब देखने को मिलता है। जहाँ पे ये किस तरह से अपने जो लव एंगल को इतने ग्रैंड लेवल पे लार्जर देन लाइफ लेके जाते हैं, सिनेमेटोग्राफी, कलर, विजुअल, कॉस्ट्यूम ले लीजिए और बाकी सब इसका ओवरऑल ले लीजिए, मतलब ग्रैंड लेवल पे दिखता है सब कुछ। बाकी बात करी जाए ना, ये कुछ भी अगर थीम को चुनते हैं ना, इतने ब्यूटीफुल तरीके से चुनते हैं कि आपको देखने में मजा आएगा। या कोई इमोशनल सीन ले लीजिए या कोई क्लाइमेक्स वाला सीन ले लीजिए, आप हर एक थीम को पकड़ के चलोगे ना, एकदम बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, कास्ट के पहने हुए कपड़े और जो आसपास सामान रखा हुआ है ना, उन सबको मिला के बहुत ही शानदार फ्रेम बनता है। स्टोरी तो वही ट्रिपिकल स्टोरी है जो कि हम बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या पता कुछ इसमें हैप्पी एंडिंग ना हो के कुछ इमोशनल एंडिंग भी हो सकती है, क्या पता हमें सरप्राइज देखने को मिल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सबको पता ही है। वैसे इन्होंने पूरी मूवी तो ट्रेलर के अंदर ही दिखा दी, तो हमें थिएटर में देखने को जाना ही क्या है, हमको सबको पता है कि एंडिंग में क्या होने वाला है। तो इन्होंने इतनी मूवी को अगर ये 3 घंटे में दिखा रहे हैं ना, तो भाई कर क्या रहे हैं ये 3 घंटे में दिखा के। मगर करण जोहर ने बड़ी कास्ट के साथ, बड़े सेट्स के साथ, बड़े सॉन्ग्स के साथ और बड़ी मूवी लेंथ के साथ ये मूवी हमें प्रेजेंट करेंगे 28 जुलाई को। वैसे दोस्तों, अगर आपने ट्रेलर देखा है और आपका कुछ ओपिनियन है, अच्छा है, बुरा है, नेगेटिव, तो नीचे कमेंट में बताइए, अपना ओपिनियन भी रखना जरूरी है। वैसे दोस्तों, आप इससे जुड़े रहने के लिए आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपडेट डालते रहता हूँ, और ऐसी वीडियो से हमारे जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज ये सब कुछ जरूर कर दे करें।